हेलो एवरीवन, आज जो रेसिपी बताएंगे वो सर्दियों के लिए है। सर्दियों में किसी किसी को बहुत जल्दी जल्दी सर्दी हो जाती है। घर में आपने देखा होगा कोई व्यक्ति इम्यूनिटी उसकी कम होती है तो उसे एलर्जी हो जाती है सर्दी की, फटाफट होती है। जैसे 4-5 दिन बाद सर्दी होगी फिर, तो आप ये रेसिपी सप्ताह में 2 बार उसे दें तो उसकी सर्दी नहीं होगी और ठीक हो जाएगी। अगर आप सर्दी नहीं भी होती है तो तब भी आपको सप्ताह में अगर 2 बार लेंगे तो जल्दी जल्दी सर्दी होने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और बॉडी थोड़ी गर्म रहेगी। और ये बच्चों को भी पसंद आ जाती है और बड़ों को भी, सबको दे सकते हैं। और मटेरियल भी सारा जो यूज किया है इसमें वो सर्दियों के लिए, जैसे गुड़ है, इसको सौंठ वाला गुड़ भी बोलते हैं। अब उसमें क्या क्या लगता है, आप कुछ जो भी आपके घर पर ड्राई फ्रूट है वो यूज कर सकते हैं। 3 कटोरी बना रहे हैं तो आप ड्राई फ्रूट ले लीजिए, 10 बादाम ले लिए, आधा गरी का गोला ले लिया और किशमिश ले ली, गोंद जरूर लें, गोंद ले लिया और साथ में लेंगे 250 ग्राम गुड़, बादाम पिस्ता सभी ले सकते हैं 10-10, और बारी बारी काटेंगे। 250 ग्राम गुड़ ले लेंगे और साथ में लेंगे सौंठ, सौंठ लेना ज़रूरी है, 2 बड़ी चम्मच सौंठ, जिससे कि बॉडी में जो थकावट या दर्द रहता है वो ख़त्म हो जाता है। और हल्दी, जीरा, हल्दी भी जो होती है वो भी 2 बड़ी चम्मच लेंगे, इससे भी बॉडी जो सर्दियों में दर्द वगैरह रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है। साथ में लेंगे शुद्ध घी, शुद्ध घी को 1 बड़ा चम्मच शुद्ध घी लेंगे, कढ़ाई रखेंगे उसमें शुद्ध घी डालेंगे और गर्म करेंगे। अब ये गर्म हो गया है शुद्ध घी, गर्म करने के बाद सबसे पहले जो काम करेंगे वो करेंगे गोंद का। गोंद कच्चा यूज नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले गोंद को सेकेंगे और मीडियम आंच पे सेकेंगे, ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा तेज, क्योंकि अंदर, और इसको अगर ज़्यादा मोटा गोंद है, जैसे बड़े बड़े पीस हैं गोंद के, तो उसको थोड़े टुकड़े करके छोटे पीस कर लेंगे, नहीं तो अंदर से चिपचिपापन रहता है और गोंद अच्छे से सेक नहीं पाता है। और इस तरह गोंद सेक के इसको दरदरा पीस लेंगे। और ड्राई फ्रूट भी हैं जो जितने भी, उनको भी पीसेंगे नहीं, सिर्फ छोटे छोटे पीस करेंगे, जिससे कि उस जब गुड़ के साथ ले खाएंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसमें जीरा डाल देंगे, जीरा डालने के बाद हल्दी डालेंगे, हल्दी 2 चम्मच बड़ी डालेंगे, सौंठ डालेंगे 2 चम्मच, और गैस को हमेशा कम रखेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा तो उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। गैस बिल्कुल धीमी आँच पर रखेंगे। अब डाल देंगे गुड़, और गुड़ साफ़ है देख लें, गुड़ बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, और गुड़ साफ़ नहीं है तो उसको पहले थोड़ा मेल्ट करके छान लें। 1 गिलास में पानी डालेंगे, तो अगर गुड़ ख़राब लग रहा है तो आप एक गिलास पानी डाल के पहले गुड़ को बॉइल्ड करके छान लें, फिर इसमें डाल दें, जिससे कि जो कचरा है वो नहीं रहेगा। ये वाला गुड़ बिल्कुल साफ था इसलिए इसमें छाना नहीं तो छान के डालना चाहिए। अब इसको थोड़ा मेल्ट होने देंगे और इतना उबालेंगे इसको कि बहुत गाढ़ा ना हो, बल्कि 1 तार की चाशनी जैसे बनती है, 1 तार से भी कम, पानी और गुड़ एकदम से अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तब इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, जैसे कि जो ड्राई फ्रूट अपन ने कट करके रखे हैं वो भी पक जाएं, कच्चे ना रहें और पक जाएं। तो अब इसको थोड़ी देर उबलने देंगे। अब ये बॉइल्ड हो गया, अगर इसमें गुड़ में थोड़ा थोड़ा सोडा जो डालते हैं, गुड़ बनाते समय थोड़ा सोडा वगैरह यूज करते हैं लोग, तो ये सफ़ेदी आ जाती है, इसको भी आप अगर चम्मच या चमचे की सहायता से साइड से निकाल दें, ये फंसूकर जो आता है थोड़ा थोड़ा, और इसको थोड़ी देर उबलने दें। अब ये गाढ़ा हो गया, अब इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट। अभी पूरी तरह नहीं पकेगा, थोड़ी देर ड्राई फ्रूट के साथ भी पकेगा तो ये सारा मटेरियल अच्छे से पक जाएगा, कच्चापन इसमें ख़त्म हो जाएगा। अब डाल देंगे गोंद भी डाल देंगे और इसको थोड़ी देर तक पकने देंगे, जिससे पानी और गुड़ और मटेरियल सारा अच्छे से गाढ़ा हो जाए, उतना गाढ़ा नहीं हो, पीने लायक रहे। अभी देखो पतला है, थोड़ी देर और पकाएंगे। अब थोड़ा सा घी और डाल देंगे, इससे थोड़ा चिकना हो जाता है, सर्दियों में घी भी गर्म होता है और गुड़ भी गर्म होता है, और गोंद वगैरह भी फ़ायदा करता है, सौंठ, हल्दी, सभी चीज़ इसमें सर्दियों के हिसाब से ही डालिए। अब देखिए थोड़ा सा और बॉईल करेंगे और ये घी भी ऊपर तरह घी आ जाता है, और सर्दियों में तो सप्ताह में 2 बार बना लेना चाहिए, खाना चाहिए, इसे एक बना के रख लो, फ्रिज में भी रख सकते, फिर गर्म गर्म बाद में ले सकते हैं। तो सप्ताह में 2 बार खाएं, संडे को बना लें तो सप्ताह भर चल जाएगा, 2 बार ले लें
और अगर ताज़ा बनाना तो थोड़ी देर में बन जाता है, 10-15 मिनट इसमें लगते हैं थोड़ा बनाने के लिए। अब देखिए ये तैयार हो गया। अब इसमें पानी अलग नहीं हो रहा, गुड़ के साथ ही अच्छा सा एक गाढ़ापन आ गया है। अब इतना पर्याप्त है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो पीने में नहीं आएगा। अब ये बनकर बिल्कुल तैयार है और गर्मा गर्म खाने के लिए। इसको बाउल में कोरा लेंगे और देने का तरीका यही है कि रात को आप सोते समय दें। बच्चों को एलर्जी हो गई है या फिर बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है तो रात को सोते समय एक कटोरी भरकर उनको पिला दीजिए, उसके बाद पानी मत दीजिए। और सुबह तक देखना बहुत फ़ायदा करेगा। लेने के लिए दिन में कभी भी आप ले सकते हैं, सप्ताह में 2 बार ले सकते हैं। फ्रिज में बना कर रख दीजिए और गर्मा गर्म गर्म करके फिर बच्चों को या बड़ों को दे दीजिए। इस तरह आपका हरीरा तैयार हो जाएगा। इसको हरीरा भी कहते हैं, सौंठ, गुड़ की सौंठ भी कहते हैं पतली। तो ये पहले दादी नानी हमेशा ज़्यादा सर्दी होने पर ये बनाकर दिया करती थी। आपका कुछ भी नहीं है, आपको लग रहा है आपका ड्राई फ्रूट कुछ भी नहीं है, तब भी आप गुड़ और पानी और घी में सौंठ हल्दी से घी डालिए और फिर उसमें सौंठ हल्दी डालकर गुड़ डाल दीजिए और 1 गिलास पानी डालकर गरम गरम देंगे, तब भी बहुत फ़ायदा करता है। इस तरह आपका हरीरा तैयार है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, सर्दियों में ज़रूर बनाएं। धन्यवाद।